मनो है जादे मानो रे श्यामा जू के चरणन में राधे लिंगी खबरिया रे काऊ देनो पल भर में। छोटी सी लाली ऐसी है इतने बड़ी है तो आगे यहाँ यहाँ बैठी लाली मैं लाली मु भजन कल माँ लाली कर रही मेरी है मैं लाली मु तो एक बेमान सो आयो है फूलन को सजो भयो वहाँ मेरे बाबा बैठो धोरे कपड़ों आ रहा आए गो सुमोद ने गौर राधा मैंने हाँ बाबा आ जा कहते मैं वहाँ चली गई हूँ तो वहाँ हाथ पकड़ में वहाँ बैठा रही हूँ डोला से हूँ यह ऊपर डोला जाए भी लगो धीरे 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 अब मैं वहाँ बैठा हूँ खूब बढ़िया हंस रहा हूँ। जितने रंगीली महल के डांगदर कंपोटर सब ठाड़े राधा गई राधा गई राधा गई राधा गई राधा गई राधा गई न्यू कर रे हाथ सब रे गोई मतलब मूर्ति मेरी हृदय में ते मेरी नजर में तो जा ही ना है। चौबीस घंटा दी गए मोहे गिटारो 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 ये केशव तेरे चरण में हूँ और तुझे तो ले जा चुप ही ले जी कष्ट मत दीजो मोहे में मेरे दुनिया में कोई ना है। आप सभी प्रेमियों को इस पावन पतित ब्रजभूमि से जय श्री राधे राधे। प्रेमियों आज फिर आप और हम एक ऐसे दिव्य सत्संग में चल रहे हैं प्रेमियों जहाँ पे एक ब्रजवासी मैया के दर्शन फिर हम दर्शन करने चल रहे हैं। ब्रजवासी मैया और ऊपर से साध्वी यानी कि साधु जीवन में एक ब्रजवासी मैया के दर्शन करवे चल रहे हैं प्रेमियों। ये अहो भाग्य हमारे श्री जी की बड़ी कृपा है कि उनकी जो परम सखी हैं जो उन्होंने श्री जी ने अपनी सेवा में ले ली उन ब्रजवासी मैया के दर्शन करने चल रहे हैं। और प्रेमियों विशेषता ये एक चीज़ बताऊं मैया आजकल से नहीं यानी कि जब से जीवन शुरू हुआ मैया को यानी ये भौतिक संसार में आई मैया तभी से बैराग में है यानी कि बैराग की अवस्था बचपन से ही लेकिन जो पूर्णतः बैराग यानी कि जो संसार त्याग दियो वो मैया ने उस समय पर त्याग दिया जिस समय पर एक सांसारिक जीवन शुरू हो गया यानी कि एक अवस्था वो आवे जैसे युवावस्था जब बोले वह अवस्था पर मैया ने सारी भौतिकता त्याग दी और श्री जी के चरणन में ठाकुर जी के ध्यान में भजन में मैया आ गई तो उनके दर्शन करवे प्रेमियों। आज बड़ी कृपा से श्री जी की से हमें उनके दर्शन है रहे हैं। बड़ी बात यहाँ में ये है प्रेमियों एक तो ब्रजवासी शरीर ब्रजवासी भी बरसाने के ही पास के एक ऐसी मैया के दर्शन करवे चल रहे हैं प्रेमियों। मेरे हृदय में ऐसी एक लला कह के मैं आपको क्या क्या बताऊं मैया के विषय में मैया के साथ ठाकुर जी कैसी लीला करें श्री जी उन्हें कैसे कैसे लीला करें उन्हें और कैसे मैया यानी कि मैया के आज भी उनके शरीर में एक पैर में दिक्कत है फिर भी मैया अपने हाथों से बना में ठाकुर जी के भोग के काज सारी क्रिया अपने आप ही करें यानी कि शरीर में इतने असुविधा हैं कष्ट नहीं है असुविधा है और संसार तो है ही असुविधा को भजन में तो ये सारी चीज़ें होनी हैं उन चीज़ों के चलते भी मैया सतत रूप से भजन कर रही हैं आनंद कर रही हैं और उन्हीं के दर्शन आप और हम चल रहे हैं प्रेमी दर्शनों में वो अपने हाथों से ही ठाकुर जी के भोग का जो प्रसाद तैयार करें तो एक श्री जी की तरफ से बहुत छोटी सी एक सेवा है राशन की सेवा वो मैया को भेंट करेंगे। मैया अभी भी देखो मैया अभी भी अपनी सेवान में लगी रही हैं। मैया राधे राधे मैया सर्वप्रथम तो आपके चरण में धन्यवाद मैया भैया बड़ी कृपा किशोरी जी की कि आपके दर्शन रहे भैया भैया हमारा तो कचहना है सब श्री जी की सेवा है श्री जी ने भेजी है और हमारा तो ऐसा भाव है कि श्री जी का आज ही भेजी है श्री जी ने सबका चुन तो ये तुम श्री जी के सामान श्री भैया मैं इन्हें कहाँ रख दूँ बैग में रखें ये तो नमक मिर्च मसाले आनंद बहुत कृपा तो आपके दर्शन आनंद ही रखेगी जी आनंद ही रखेगी राधा रानी बहुत कृपालु है हमारी जी बहुत कृपालु है जो हमसे इनको मतलब रख रही है तो आप वो क्यों नहीं रखेगी। हम तो भैया वैसे इतने हैं सेवा करें ठाकुर जी की अपने ठाकुर जी लाड़ लड़ा में दवा में दवा में सेवा करें भोग बनावें भोग लगावें कोई साधु आ जाए उसको पवावें हमारा कर्म तो गे और भगवान को भजन करें जो है जा भगवान राधा रानी करवा दे जो
और हम किसी नहीं कभी भंडारे में गए जीवन में, कभी कभी नहीं न कभी ना गए हम बरसाने में, कबू ना कहू ना गए ना कबू सड़कन पे डोले अपने भजन राधा रानी साधु संत आ जाए सत्संग हुए खूब आनंदा में खूब बढ़िया। तो भैया अभी भी आप सेवा में ही है ये प्रसाद मेरो ठाकुर जी, मेरा ऑपरेशन भयो पैर को, मेरो ठाकुर जी आगरे पहुंचो मेरे संग साक्षात, ऐसे ना गए दुबक्के साक्षात, ऐसे में बेड पे भरे मेरे ऑपरेशन भयो तो यहाँ ठाड़ो यहाँ, और हम इतने रोए लाला हम तो संकट पार हैं, तो पार हैं तू संकट क्यों पार हो है? तू यहाँ क्यों आयो है और मुस्कुरा रहो, और हमारे आंसू दे आंसू बह रहे हे प्रभु क्यों को सारा पा रहा तू क्यों दुख पा रहा मेरे पीछे, इतनो मेरे भगवान दयालु है मेरे मोह एक मिनट ना छोड़ है, पर जो अगले भोगे वो तो भोगने हमें, पर मेरो प्रभु इतनो संग दे मेरो के हे प्रभु मैं तो कबू ना बोलू आगरे ऑपरेशन करो जाके पाम को जी। नहीं कह दे डांग धन ऑपरेशन हो ही ना मेन हड्डी टूटी है शरीर की मेन हो का है तो मेरे कन्हैया नहीं तो करे ऑपरेशन कौन कर दे तो साक्षात ठहरो बैठ के हम रो बाबू कह रहो कंप्यूटर महाराज का दर्द हो रहा है यहाँ भाई दर्द है रहा तो कह सके मेरे प्रभु ठाड़ो है हाँ भाई ये दर्द है रहा है फिर सुई लगाए वो सुई आखिर आगे चले वो गोई मतलब मूर्ति मेरी हृदय में ते मेरी नजर में तो जा ही ना है चौबीस घंटा दी गए मोह गिटाड़ो 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 मेरे कन्हैया की तू खा बताऊ तो है और जब जब ऐसे ऐसे उधम कराए साग खात मोते साग खात उधम कराए कहो बंसी से ले गो कहो कछुआ फेंक दे गो कहो कछुआ फेंक दे गो मैं लड़ पड़ू काना क्यों परेशान कर तू मोह हंस जाए हंस जाए फिर भग जाए कीर्तन करूँ मैं यहाँ अब हम कीर्तन करते रहेंगे तो वह चढ़ावा वो माए कह मेरे नहीं मैं लाला कर लेंदा हे भैया वो कीर्तन कर लेंदा ऐसे ऐसे लंदरा वह हंसा है खेल है बड़ो मन लगे मेरो मेरो मन तो दिन रात उसी में बस हे केशव तेरे चरण में हूँ और तू जैसा ले जा जा चुप ही ले जी कष्ट मत दीजो मोह में मेरे दुनिया में कोई ना है खाली सेवा मेरे ठाकुर जी और राधा रानी कोई नहीं है मेरो भैया आप साधु जीवन में कितना समय है भैया मुझे समय है वो बस 30 साल है गए यहाँ 25 साल यहाँ आएगे मुझे 25 यहाँ पे या कुटिया पे और 30 साल है गए 5-6 साल हम वहाँ रहे वृंदावन फिर रहे बरसाने फिर 25 साल यहाँ आए गए। तो भैया ये जो बैराग आए हो तो बैराग कब थे भैया कौन सी अवस्था में कैसी भजवानी में बड़ा अवस्था में नई अवस्था में बैराग लियो हमने नई अवस्था थे गिदन आए गए ठाकुर जी सेवा करते करते भजन करते करते भैया आप कैसे ऐसा कैसे लगो कि बैराग ले लेना चाहिए कि संसार पे किशोरी की कृपा थे ठाकुर जी कृपा थे कि यहाँ थे चले बिल्कुल चल बरसाने चल वृंदावन चल चले चले गए खूब ढूंढा फिरे हमारे भैया डोले हम नहीं गए किसी के संग हम तो भजन करेंगे हम नहीं जाएंगे हमारा मन तो भजन में हमारा मन किसी में नहीं है हमारा ऐसे हमारे भैया कब आवे तो हम किसी से ना तो नहीं रखते हैं खाली सेवा ठाकुर ते के कोई भगत जगत आ जाए साधु संत बस। भैया पूछना चाहिए कि भैया आपको जैसे आपकी जो बाणी है वो बिल्कुल ब्रजवासी है तो आपको आपको शरीर शरीर पास को ये बाबड़े यहीं को है कोची के जोड़े को ही दूर के ना बड़ी कृपा है किशोर जी की कि यहीं पे जन्म लिया और यहीं पे अपनी सखी रूप में अपनी अपने चरण में ले लिए बहुत बड़ी कृपा है बेटी मित्र को हे राधा रानी ऐसी कृपा बना रखी हो जब तक मेरा जीवन है और ऐसे ही ले जाइए जैसे अब बैठे हूँ ऐसे उठा ले जाइए रंगीन मेल गए हम तो कहा कहाँ तक कहूँ या की बात तो थे रंगीन मेल गए हम बहुत बीमार है सख्त बीमार है हम परे बोतल चढ़ नहीं हम पे तो गे दरवाजो घुसनू पल्ले दरवाजे पहते है भैया अन्न पाई मोहना ले को ठाकुर जी का स्वामी कह रहे हम झूठ नहीं बोलेंगे तो एक विमान सो आयो है फूलन को सजो भयो
वामी बाबा बैठो धोरे कपड़न वारो आए गो समुद्र ने गो राधा मनी हाँ बाबा आ जा मैं वहाँ चली गई हूँ वहाँ हाथ पकड़ में वहाँ बैठा लई हूँ डोला से हूँ यहाँ ऊपर डोला जाए भी लगो धीरे 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 हमें वहाँ बैठे हूँ खूब बढ़िया हंस रहा हूँ जितने रंगीली महल के डांगदर कंपोटर सब ठाड़े राधा गई राधा गई राधा गई राधा गई राधा गई राधा गई न्यू कर रे हाथ सब रे एक आयो कंपोटर अरे महाराज सुई लगवाओ जपना खुली गई अब तो डोला कहाँ गयो घुमा दियो सब परचो डोला आएगो यहाँ बीमार पड़े हम है जाएगो हमारे यहाँ पड़े कुठिया कोई ना हमारे पास कंप्यूटर भेजो जा रहा था सुई लगा क्या बोतल चढ़ाए क्या गैर उस पर हम आ जाओ कोई ना तो तीन साधु उठा रहे दरवाजे पर दो तो गोरे गोरे दाढ़ी नवारे और एक ने सामने रंग को बीच में न्यू देख रहा मैंने तो उनने मुँह ने कहा टाट राखी है न्यू अब भीतर तो न्यू कहूँगे महाराज आओ पर सोधी तो ही ना शरीर की गैर होश से हाँ गैर होश साधु तीनों साधु देख रहे हैं और बड़े दर्शन है रहे हैं वो साधु उनके बड़े सुंदर दर्शन है रहे हैं और मैं गैर होश में पड़ी हूँ फिर का देख रहे हूँ यहाँ मैं बैठी गाँव यहाँ चार सखी ठाड़ी हैं चिलकनी चिलक लेंगे अनवारी ठीक है अनवारी और उनसे नहीं कहूँ बहन आओ कहीं ना जा रही बोल बंद है रो इतने वजह कृष्ण मुरारी आप ही आए हो मैं राधा 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 ये तो झंझोड़ दी हम यहाँ भैया कहा है रोते ने पता ना भैया फिर गैर हो सके वो लीला देख ली और वह लीला देख के हमारा तो बोलो बल दे आयो और बोलवे लग गए ऐसी ऐसी लीला मेरे ठाकुर जी की मेरी राधा रानी की कहाँ तक बताऊं तो ये तो लीला कर रही है अपने भक्तन के संग और क्या बोला है ठाकुर जी कि मेरी चर्चा करें तो मेरे भगत ते मेरे संत ते करियो कब ऐसे करेंगे तो तेरी निंद्रा और मेरी निंद्रा हाँ भयो भगत भयो भगवान वारो निंद्रा होगी जाते करियो जाके हृदय में समावे अरे भगवान कैसे दर्शन दिए अरे भगवान कैसे कह रहे हैं हुआ थे मेरी चर्चा करनी हो मेरे भगवान सादर्श की है मेरे ठाकुर जी कोई पीतर पीतर के मत जानियो कोई साग खाते हैं साग खा नेक नहीं कर लेनी हो बस नेक जपना मार ले वही मेरे ठाकुर जी तैयार ठाड़े कहाँ तक इनकी बड़ाई करूं मैंने कहूँ ये प्रभु कहने करो मेरे संग में सो भाई वो जन्म जन्म छोड़ मत दीजो मो जन्म दी जाओ मत मो जन्म चाहिए उन्हें अपने चरण में राखियो मोए लेट बोल जा तो मैया अभी तो आपके पैर में बला तकलीफ है बहुत तकलीफ होती होगी सबसे अरे भैया दर्द हो बहुत ज्यादा इस रोटी चलूं बोकर से चलूं जब सेवा करूं फिर वो इतनी रोटी बनाऊं कि कोई आ जाए तो खा ले तो यहाँ पे तो भैया संत जन आमे आमे संत अरे गले संत आमे उनकी सेवा आप ही करें प्रसाद सेवा कल्याण संता में यहाँ तो भैया संजय कथा हो है कथा में हमें और दिन भर चलते रहे पर कमा मार गए हमारे जान का ही सब तो है ही रात हम ये दर्शन कर चले रात हम ये दर्शन कर चले हमारे का दर्शन कर ठाकुर जी दर्शन करो भैया भैया आपको पूछना चाहिए तो हो गई बचपन श्री जी को दिया हुआ तो बचपन से नाम आपको श्री जी के नाम पे हो पहले हमारा नाम सर्वेश्वरी हो सर्वेश्वरी हाँ जी और जब हमारे गुरु ने हमें दिक्कत दी उसी दिन हमारा नाम उसने बल दियो सर्वेश्वरी मतलब राधा रानी को नाम है श्री जी का नाम है ना पहले नाम हमारा ऐसा ही फिर गुरु जी ने धर दियो वही नाम चल तो मैया अब इतने समय जब आप श्री जी के धाम में है गए तो श्री जी इतनी कृपा कर रहे हैं कि आपको भजन यहीं पे बरसाने में आप कर रहे हैं तो मैया कभी श्री जी ने कोई ऐसी कृपा करी कि जैसे आप कोई लीला करी श्री जी अरे बावड़े श्री जी छोटी सी लाली ऐसी है इतनी बड़ी है और मैं वहाँ माला बैठी भजन पर मंदिर में पाँव टूटे पहले ही बात है भजन पर बैठे तो आगे यहाँ यहाँ बैठी लाली मैं लाली मो भजन कर माला नहीं कर रही मेरी है मैं लाली मो भजन कर लेना बेटा मैं भजन कर लेना कितनी जोर से सज रही है
राधे श्याम इतू निकल बहुत जोर से सज रही है, मुकट दे महलान दे मैं बड़ी सुंदर। और मैंने आंख खोली तो कछु ना राधा रानी मेरी है सो दे मोए साक्षात लाड़ो मेरी इतनी सी है बस, ज्यादा बड़ी ना आवे इतनी सी आवे। भजन कर रहा मैं भजन बैठ रही थी ना तो जंगलाम तो नहीं झक रही हूँ छोरी एक मिलल कौन किया है हट गई। फिर हम भजन में बैठ गए, अरे वो तो छुम 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 हमारे पास ही पहुंच गई। मैं आज बेटा कहाँ ते आई है, आज बेटा बैठ जा कहाँ ते आई बेटा बैठ जा। बस नहीं कह रही है सपने में ही हम भजन में ही सोई बैठी मारा आसन के जोर बगल में। हम बात नहीं करते रे बेटा बेटा कहाँ ते आई कहूँ ना आई मैं यहीं ते आई कहूँ तो ना आई मैं यहीं ते आई न्यू करते रे। फिर हमारा हाथ गए तो री तो अरे अंतर ध्यान इतनी झलक दे जाए और चले जाए। जब जब संकट पड़े जब जब मेरे पास में श्री जी आ जाए श्री जी मैया श्री जी का नहीं अलग थोड़ू ये कहीं है ये प्राण दो दे ही है या लाला रूप में दे दे या लाली रूप में दे दे ये कही है। मैं तो नहीं ये कही मानू एक ही दर्शन है एक ही मैया वो भैया जैसे हम तो ग्रस्त में है तो हम ग्रस्त में कैसे 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 भजन करें कछु हमें बता दो भैया कोई सरल रास्ता हो कि श्री जी का ग्रस्त बड़ा भजन तो कोई ना है। ग्रस्त की दाई भजन कोई ना है जी। ग्रस्त में भजन कर रहे हैं तुम कितनों भजन कर रहे हैं सेवा कर रहे हैं कितने बोली में तैयारी में रस है कितने सुंदर है तुम याद है बड़ो भजन कोई ना ग्रस्त हम जाएंगे ये राधे राधे काले वो बाबा रोटी मांगेंगे रोटी देगी दूध मांगेंगे दूध देगी मतलब बीस रोन की कमाई में तो सेवा करेंगे तुम तो याद बड़ो भजन कहाँ है याद बड़ा भजन ना है हम तो बड़ो भजन है तुम्हारा होता हो ये तो हमारी सेवा कर रहे हैं हम तुम बैठ के खा रहे हैं तुम तो बड़े भगत हैं। हमें तो ऐसा लगे भैया कि हम थोड़ा कम भजन कर ना बहुत तो बड़ो भजन कर रहे हैं तुम लोग सब तो बड़ो भजन कर रहे हैं के दरगी जरूर है कि दरवाजे पर कोई जाए भूखो टूटो काऊ भेस में जाए मन लौटा है मत दीनो कुछ भी न होए घर पे न देनो होए बाबा कुछ लट्ठा कट्टा सो आए गो यहाँ चलो आयो ऐसे मत बोल दीजो खाऊ कुछ भी हो घर में उसको थोड़ो सो दे दो तो जैसो काऊ को देंगे जैसो ही आ गए मिले तैयार मिलेगो कुछ भी सौदा दीजिए कोई तैयार मिलेगो। ओ भैया भैया कोई हमें जैसे आप कीर्तन करें भजन करें तो कछु हमें कोई कीर्तन आप आपको जो कोई प्यारा कीर्तन हो आपकी वाणी में हमें सुना। मेरे कीर्तन कितने बल्द बल्द के करूं मैं तरह तरह के बल्द बल्द के करूं तरह तरह भजन गाऊं वहां नाले कह रहे बाबा नाले पे राधा मन की हाँ बाबा भजन बहुत जोर के गावा है मैं तो कहा पद बाबा अरे हम सुने रात की आवाज जाए ना हम सुने बाबा मोहब्बत कछु ना आवे ऐसे राम का नाम गाते रहे कीर्तन बल्द बल्द की राह गाते रहे हम। भैया हमारी कितनी प्यारी ब्रज भाषा या मैं कोई आप आपकी बाणी तो कोई एक कीर्तन सुना दो लाइन अब देखिए चुरानी पूछेगी राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे मनो है जादे मानो रे राधे जू के चरणन में मनो है जा मनो है जादे मानो रे श्यामा जू के चरणन में राधे लिंगी खबरिया रे काऊ देनो पलवर में श्यामा लिंगी खबरिया रे काऊ देनो छिनवर में राधे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे। आपके ठाकुर जी के दर्शन करा दें। चलो भाई मंदिर के दर्शन, तुम्हारी इच्छा है करते लो। बड़ी बड़ी कृपा है। बेटी जला देंगे भैया और का करें, कोई दीपक जला दो, दीपक जलाएंगे भैया। खोल दे के ठाकुर जी। जय हो, जय हो मैया को, कितना सुंदर मंदिर है मैया को। जय हो, जय हो प्रिया प्रीतम विराजमान मैया। यही सेवा लगी रहूं, यही सेवा पूजा आपकी भजन ठाकुर जी के चरण सब दिन यही पे लगी रहूं, यही की सेवा में गई लगा रहा हूँ अपनी सेवा में। ये लोड़ी सरकार है, वो बड़ी सरकार है, ये छोटे छोटे लाला है। ऊधम कर भैया, ऊधम कर भैया। देखो छोटे लाला ऊधम करे बहुत, देख रहे हैं मैया कह रही हूँ ऊधम कर भैया। ठाकुर जी से ऊधम कर, बहुत ऊधम करते हैं, बड़ा ऊधम करे। मैं काना में मारूंगा तो पीट दूंगा काना, ऐसे करूं खूब, अच्छा मुस्किया जाए हंसी जा, मैं मारूंगा तो लाला ऊधम कर रहेगा तो। जंगल में मैया कितने आनंद से ठाकुर जी की सेवा पूजा में लग रही है। और कोई भी यहाँ पे कोई भी संत जन आ जाए मैया अपने हाथों से प्रसाद बना के सेवा करे भैया। और 25 साल से मैया यहाँ पे सेवा कर रही है, 25 साल से सेवा करने में जो करवाई जाए जो तो जीवन है जब तक वो उठावे वाले चुप उठा ले जाइए। ये प्रार्थना।